नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम राजेश कुमार होता है। आई एम मेंटर एंड कोच फॉर पीएससी एग्जाम्स। अपियर्ड इन आरएएस मेंस, अपियर्ड इन द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड यूजीसी नेट, क्वालिफाइड एमफिल, परसुइंग पीएचडी। ये क्वालिफिकेशन मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ये सब किया है। यूजीसी नेट, वो तो यूजीसी लेता है एग्जाम। क्रैक आरपीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द अनअकैडमी। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, अनअकैडमी पर आपको रजिस्टर कैसे होना है, इसका सिंपल सा स्टेप है। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आरपीसी गोल चूज कीजिए। वहाँ से आपको गेट सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। उसके बाद में जो फीस स्लाइड होगी वो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 महीने की अनअकैडमी पर फीस है 7,000। इसमें आपको मिलेगा मेरे रेफरल कोड से 10% डिस्काउंट, जिसके बाद में आपकी फीस होगी 6,300। सिमिलरली 24 महीने की जो फीस है अनअकैडमी पर वो है 8,400। इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड लाइव आर के अप्लाई करते हैं 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद में आपकी फीस होगी 7,560 रुपये। मिलेगा क्या आपको इस सब्सक्रिप्शन से, वो मिलेगा आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे और मेरे रेफरल कोड लाइव आर के द्वारा आपको अकेडमी पर अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। तो जैसा कि वीडियो की स्ट्रीमिंग होगी, तो हम क्या है कि अगर आपसे चर्चा हो रही होती बीच बीच में तो हम थोड़ा आराम आराम से लेते, लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न बताऊँगा क्या क्या आंसर है इसका। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जॉर्ज गियर्सन, एलपी टेसिटोरी, मोतीलाल मीनारिया या गैरी स्मिथ। पहला प्रश्न है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जॉर्ज गियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है, ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है वो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी बोली को राजस्थानी की मानक बोली कहा जाता है, मारवाड़ी को राजस्थानी की मानक बोली माना जाता है, मारवाड़ी को ही राजस्थानी की मानक बोली माना जाता है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है, राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सी बोली है, डिंगल कहते हैं उसे, जो कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी री कौन सी भाषा में लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। यह अगला प्रश्न आपके सामने, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है, डिंगल भाषा में ही लिखी है, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ढूंढाड़ी लिखा हुआ मान लीजिए, मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, मालवी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर और मेवाती, अलवर, कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सभी जरा क्विक रिप्लाई करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा, क्योंकि जो मालवी है वो झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। उसके बाद में यह अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, सभी लोग क्विक रिप्लाई करेंगे। जो आपसे ऑप्शन चार है वो यहाँ पर ढूंढाड़ी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है, यह ढूंढाड़ी मैंने लिखा है, वागड़ी भाषा बोली जाती है, वागड़ी नहीं है वो,
वागड़ी भाषा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। यह अगला प्रश्न आपके सामने, दादूपंत का जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? ढूंढाड़ी में लिखा हुआ है, ऑप्शन चार, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर रह गया है, ऑप्शन फोर है, ढूंढाड़ी में लिखा हुआ है। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती जो भाषा है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? करौली में बोली जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड, मंडावर, कोटपूतली, राइट आंसर होगा अहिरवाटी, यहाँ पर बोली जाती है। जो अहिरवाटी बोली है वो राजस्थान का जो बहरोड, मंडावर और कोटपूतली वाला एरिया है, जो कि अलवर जयपुर में विस्तृत है, वहां पर अहिरवाटी बोली जाती है। उसके बाद में यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना थी वह फिल्म जो राजस्थानी भाषा में बनाई गई थी। अब आपके सामने मरुवाणी क्या है, क्विक रिप्लाई करिएगा जरा। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। जो मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, मरुवाणी जिसको हम बोलते हैं। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? वही जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान लिखी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक बताएंगे सभी, क्या क्या राइट आंसर है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय का लेखक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ है। उसके बाद में यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी थी। थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ क्योंकि डिस्कस आपसे हो नहीं पा रहा है, वीडियो है वो स्ट्रीमिंग है तो आपको चीजें नॉलेज में आए। उसके बाद में यह अगला प्रश्न आपके सामने, वेली किशन रुक्मणी जी के लेखक कौन है? वेली किशन रुक्मणी जी के लेखक कौन है? वो लेखक है पृथ्वीराज है, वेली किशन रुक्मणी जी के। यह अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मुवण्णत नेरसी का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन दो ढूंढाड़ी है। जो नैनसिरी ख्यात है वो किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है नैनसिरी ख्यात। उसके बाद में यह अगला प्रश्न है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बखत राम शाह है, ऑप्शन बी बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। फिर है गलत युग्म को आपको चुनना है, कौन सा इनमें से गलत युग्म है? एक तरफ आपके सामने साहित्यिक रचना दी हुई है, दूसरी तरफ साहित्यकार है, इनमें से जो गलत युग्म है, जो जिसका साहित्यकार नहीं है वो आपको बताना है। इसका जो गलत युग्म है वो होगा बादली। बादली चंद्र प्रकाश देवल द्वारा नहीं लिखी हुई है, जो बादली है वो चंद्र सिंह चिरकाली द्वारा लिखी गई है, चंद्र प्रकाश देवल द्वारा नहीं, चंद्र सिंह डिरकाली द्वारा, चंद्र सिंह चिरकाली द्वारा। फिर अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? अचलदास खिचड़ी वचनिका सबको ध्यान है, खिची थे वो गागरोन के शासक थे, गागरोन से अचलदास खिचड़ी वचनिका का इतिहास पता चलता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के जो लेखक है वो कौन है? सूर्यमल विसरण ने यह तीनों रचनाएं रचित की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूर्यमल मिश्रण द्वारा ये सब लिखा गया है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। फिर यह अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाएं हैं,
दूसरी तरफ आपके सामने लेखक दिए हुए हैं, इनमें से जो बोल बार मिली है, इनमें से जो बोल बार मिली है वो यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी हुई नहीं है, वो सत्य प्रकाश सोनी द्वारा लिखी गई है बोल बार मिली। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, हम्मीर रासो एवं हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, सारंगधर लेखक थे इसके। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, दयालदास री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है, दयालदास री ख्यात में राज्य का किस कौन से राज्य का इतिहास संकलित है, बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा गया है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है, वो बताता है बाकीदास री ख्यात की स्थापना की तिथि बताता है। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा जो नेहत तरंग है वो रचित है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक शासक ने कि जो ग्रंथ की रचना की थी, बुद्ध सिंह ने इसकी रचना की थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर यह रहा अगला प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया की जो कृति है वो कौन सी है, धरती दोरारी के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बडली नहीं है यह बादली है, बादली के रचनाकार कौन है, अभी अभी हमने देखा चंद्र सिंह चिरकाली बादली के रचनाकार है, चंद्र सिंह बिरकाली है यह। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, कन्नड़ देव प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी का जो जालौर विजय है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है, पद्मनाभ है वो इसके रचयिता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह अगला प्रश्न आपके सामने, हम्मीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है, हम्मीर मदमर्दन साहित्यिक कृति के लेखक कौन है, जयसिंह इस कृति के लेखक हैं, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है, हम्मीर जो मदमर्दन है वो हम्मीर मदमर्दन के जो लेखक है वो है जयसिंह, ऑप्शन दो है वो इसका राइट आंसर होगा, हम्मीर मदमर्दन के लेखक हैं वो जयसिंह है। फिर यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने, वीर विनोद नामक ग्रंथ के जो प्रणेता है वो कौन है, प्रणेता की यहाँ पर बात पूछी जा रही है तो वो है श्यामलदास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर रणथंभौर के चौहानों की जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से ग्रंथ से रणथंभौर के चौहानों की जानकारी मिलती है, हम्मीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहानों की जानकारी मिलती है। यह अगला प्रश्न आपके सामने, डोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है, डोला मारूरा दुआ काफी फेमस है, कवि कल्लोल इसके रचयिता है। यह अगला प्रश्न आपके सामने, बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ रचनाकार है दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई है, और कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, जो सोमनाथ है, जो सुरजन चरित्र है वो सोमनाथ के रचयिता नहीं है, जो सुरजन चरित्र है उसके रचयिता है चंद्रशेखर, सृजन चरित्र नहीं है सुरजन चरित्र है उसके रचयिता है चंद्रशेखर। यह अगला प्रश्न आपके सामने, किरतार बावनी के लेखक कौन है, किरतार बावनी के लेखक है दुर्सा आड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की, महाराजा हम्मीर ने श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की, महाराजा हम्मीर ने श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे अकेडमी पर तो आप लोग ये जो डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म दिया गया है वो भर सकते हैं, आप लोग की जो भी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी, जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, जो भी डाउट होंगे उनका सॉल्यूशन किया जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा इससे आपका और हमारा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, मेरा कोड लाइव आर के इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सभी को एक बार फिर से थैंक यू।